रणवीर सिंह ने शेयर किया कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस। रणवीर सिंह की गिनती बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में की जाती है। वो आज जिस मुकाम पर है वहां एक आउटसाइडर को पहुंचने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। हाल ही में रणवीर सिंह ने अपने साथ होने वाले कास्टिंग काउच का खुलासा किया है जो कि बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल रणवीर हाल ही में मोरक्को के मराकेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें एटॉयल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इवेंट दौरान रणवीर ने बॉलीवुड में अपने सफर के बारे में बात की। इस दौरान रणवीर ने अपने साथ होने वाले कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस शेयर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म फेस्टिवल में रणवीर ने अपने बॉलीवुड ब्रेक के बारे में बताया। इस दौरान एक्टर ने खुलासा किया कि एक फिल्म मेकर ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया था। इसके बाद उसने अपने मजे के लिए रणवीर के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था। हालांकि रणवीर ने उस फिल्म मेकर का नाम नहीं रिवील किया। रणवीर ने आगे कहा, उस आदमी ने मुझे एक जगह पर बुलाकर पूछा कि तुम हार्ड वर्कर हो या स्मार्ट वर्कर। मैंने खुद को स्मार्ट नहीं माना तो मैंने कह दिया कि मुझे लगता है कि मैं एक मेहनती इंसान हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा, डार्लिंग स्मार्ट बनो, सेक्सी बनो। स्ट्रगल के उन 3 सालों में मुझे इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस हुए जिसके बाद मुझे अपनी वैल्यू पता चली। वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर आखिरी बार जयेश भाई जोरदार में नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। साल 2023 में रणवीर एक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस और करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगे।